लोकसभा में गुरुवार को संसद की मर्यादा उस वक्त तार तार हो गई जब समाजवादी पार्टी के सांसद अक्षय यादव ने गुस्से में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन पर कागज फेंक दिया। दरअसल आज सातवें दिन भी लोकसभा में पीएम मोदी की गैर मौजूदगी को लेकर हंगामा हो रहा था और लोकसभा अध्यक्ष कामकाज को सुचारू रूप से संचालित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब सांसदों ने उनकी बात नहीं मानी तो महाजन लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर आसन से उठकर जाने लगी। तभी अक्षय यादव ने कुछ कागज आसन की तरफ उछाले, जिसमें से एक कागज अध्यक्ष सुमित्रा महाजन पर भी जाकर गिरा। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार और राज्य मंत्री एसएस आहलूवालिया ने कागज फेंकने के मसले पर लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की है। वहीं सुमित्रा महाजन ने अक्षय यादव को मर्यादा में रहने की हिदायत दी है। आपको बता दें कि फिरोजाबाद से सांसद अक्षय यादव मुलायम सिंह यादव के भतीजे और रामगोपाल यादव के बेटे हैं। लोकतंत्र के मंदिर संसद में बोलने का हक सभी सांसदों को है, लेकिन आज लोकसभा में जो कुछ हुआ वह शर्मसार था। देखते रहिए डीबी लाइव।